बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी, कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 34 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 9 की जो ऑनवर्ड एप्लीकेशन होंगी, जो डिफरेंट कमांड्स के अकॉर्डिंग है उनको परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस ये चैप्टर है और इसको हम परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉल फ्रेम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देते हैं ऑप्शन को और पीसी को ओपन करना है जहाँ पर मैथमेटिका का सेटअप पड़ा होगा, ये लोकल डिस्क में पड़ा हुआ है और इसको ओपन कर लिया। और ये है शाम आउटलाइंस मैथमेटिका सेकेंड एडिशन जो बुक है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ये आज का टॉपिक हुआ डेफिनेट इंटीग्रल्स। यहाँ से हमने ऑनवर्ड जो डिफरेंट कमांड्स होंगे उनको परफॉर्म करेंगे। तो इन डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसमें जो इंटीग्रेशन होती है इसकी लिमिट्स वगैरह होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की फॉर्म में, और इसके लिए जो कमांड है वो हम कुछ इस अंदाज में देखेंगे या फिर इसको हम जनरलाइजेशन में इंटीग्रल की रिप्रेजेंटेशन में इसकी लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है और इंटू एफ ओ एक्स, यानी इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंबल आपके पास जो पैरेट से आएगा वो कुछ इस अंदाज में होगा, ये जो ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है, दिस इज़ द सिंबल एंड अ कमांड फॉर्मेशन एज अ इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक हो गया। ऑनवर्ड है अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल इंटीग्रेट कोई टर्म आपको फाइंड करनी है तो आपने वो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को ऐसे राइट कर देना है, एन इंटीग्रेट कोई फंक्शन लिखेंगे और जो इसकी लिमिट्स होंगी एक्स कोमा ए लोअर लिमिट बी अपर लिमिट, ठीक है, तो उसको आप या तो फिर ऐसे राइट कर लें, ठीक है, या फिर इसको हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में राइट करेंगे, वो कैपिटल एन की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वो आपको मैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जब परफॉर्म करूँगा उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल की जो रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। ये हमने सोल्व करना है टू एलिवेट डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसके लिए हमने ये परफॉर्म करना है इंटीग्रेट एक्स और एक्सपेंशन एक्स साइन ऑफ एक्स। इसके लिए हम ना इसको जनरलाइजेशन में इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये भी बेस्ट वे है वर्डिंग लैंग्वेज में। अगर आपको वर्डिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है आप डायरेक्टली ये पैलेट से इंटीग्रेट का साइन यूज़ कर सकते हो। इसके लिए अभी हम ना यहाँ पर ये मिनिमाइज का ऑप्शन करते हैं और वॉल फ्रेम जो मैथमेटिका सॉफ्टवेयर इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है जो डेस्कटॉप पे पड़ा होता है। तो ऐसे ही एक इनिशियल कर्नलाइजेशन को स्टार्ट कर लेगा, फिर ऑनवर्ड हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ जाएगी, फिर उसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये ऐसे ओपन हो चुका है और न्यू डॉक्यूमेंट ये स्टार्टिंग पे है, इसको हमने प्रेस किया और उसके बाद हम बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे बोथ साइड से। ऐसे ये डाउनवर्ड भी आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब ये आपके पास मैथमेटिका वॉल फ्रेम सॉफ्टवेयर है और ये आपके पास बुक है जो शॉम आउटलाइंस के वाले से। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन परफॉर्म करना है ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसके लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का जो सिंबल है पैलेट से यूज़ कर लेते हैं। बेसिक कमांड्स में जाना है और ये बटन आप प्रेस करोगे तो ये आपके पास ये कमांड होगी डेफिनेट इंटीग्रल की। इसको हमने प्रेस किया तो यहाँ पर ये पूछ रहा है लोअर लिमिट आप पुट करें और अपर लिमिट पुट करें, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया 0 अपर लिमिट 1 और यहाँ पर एक्सप्रेशन राइट करना है, ये है एक्स ई रेज टू पावर एक्स। इसके लिए आप पैलेट से एक्सपेंशन राइट कर लें और इसकी पावर राइट करें, पावर एक्स है, एक्स वेरिएबल और एक्सपेंशन के बिटवीन आपने स्पेस यूज़ करनी है, ठीक है, तब ये आंसर एक्यूरेट आता है। और इसके साथ आपने साइन राइट करना है, साइन एक्स के लिए हम लिख रहे हैं स्केयर ब्रैकेट एक्स क्लोज, ठीक है, और साथ में डिफरेंशियल एक्स के लिहाज से हम कर रहे हैं तो एक्स साथ में यूज़ हो जाएगा। अब आपने फाइनली शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट -1 प्लस ई साइन ऑफ 1, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑनवर्ड आपने ये न्यूमेरिकल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जो आपने रिजल्ट फाइंड किया ना इसके लिए आपने न्यूमेरिकल का वर्ड यूज़ कर लेना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग पर न्यूमेरिकल लिख लेंगे, अभी मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ, ये कॉपी किया और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं
कैपिटल एन स्केयर ब्रैकेट, और स्केयर ब्रैकेट में हम पेस्ट कर देते हैं जो भी हमने कॉपी पेस्ट कॉपी मटेरियल किया हुआ है, ये पेस्ट कर दिया और अब हम यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया न्यूमेरिकली फॉर्म में, यानी ये जो आंसर है इसी को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है 0.643678, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे आप डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल की जो रिप्रेजेंटेशन के जो एक्सप्रेशन हैं आप उनको सोल्व कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर राइट कर देता हूँ, आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपने तौर पर सोल्व कर लेना, आपको ईजिली इनका आइडिया हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट कमांड जो आपने यूज़ की हैं अभी, डेफिनेट इंटीग्रल और न्यूमेरिकली फॉर्म में, आपने इनको माइंड में रखना है और सोल्व करना है। तो अभी अगेन मैं एग्जाम्पल परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पर राइट कर लेते हैं वन लोअर लिमिट है और अपर लिमिट फोर राइट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स प्लस फोर राइट कर लें, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर आप राइट कर लें, एनी पावर आप राइट कर सकते हैं। मैं पावर यहाँ पे राइट कर देता हूँ सेवन, और डिफरेंशियल आप यहाँ पे राइट कर लें डी एक्स के हवाले से, और शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली आपके पास ये न्यूमेरिकली फॉर्म में आंसर आ गया। अगर इसी को आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो इससे पहले आप कैपिटल एन राइट कर लेंगे तो यही आंसर आपको पॉइंट में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करें कैपिटल एन स्केयर ब्रैकेट, और जो आपने मटेरियल कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसके बाद स्केयर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फाइनली आपने शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.04832 मल्टीप्लाई 10^6, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट ऑनवर्ड ऐसे आप डिफरेंट ये एग्जांपल्स यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म की हुई आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर सिक्स में आपको परफॉर्म करवा देते हैं, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 है साइन इनटू साइन एक्स इनटू डी एक्स और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए हम ना ये कमांड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे पैरेट्स में राइट करें वॉल फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं ये वाला सिंबल, ठीक है। इसमें लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है और एक्सप्रेशन है साइन इनटू साइन, यानी कि स्केयर ब्रैकेट साइन ऑफ एक्स स्केयर ब्रैकेट 2 टाइम क्लोज कर देना है और उसके बाद डिफरेंशियल एक्स के लिहाज से तो डी एक्स। उसके बाद इसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, पहले आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर निकाल लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये इसका डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर है। अगर इसी को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में फाइंड करना हो तो इससे पहले कैपिटल एन यूज़ कर लें, तो यहाँ पर हम राइट करते हैं कैपिटल एन स्केयर ब्रैकेट और यहाँ पर हमने कॉपी मटेरियल राइट कर देना है पेस्ट और स्केयर ब्रैकेट क्लोज, फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ गया 0.43060 6, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ऐसी ऐसी तो आप पॉइंट के बाद 20 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से भी बता सकते हैं। यहाँ पर ये है कि 20 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपने इसका आंसर बताना है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ये इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। यानी यही आपके पास जो मटेरियल है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को 20 सिग्निफिकेंट के लिहाज से भी हम बता सकते हैं, जितने मर्जी सिग्निफिकेंट हों आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो ईजीली। यहाँ पर लिखें कॉमा 20, ये 20 डिजिट्स ऐसे बता देगा, ये देखें ये पॉइंट के बाद 20 डिजिट्स तक ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड आपके पास एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 की स्टेटमेंट कहता है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेस्ट टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पैलेट से आप डेफिनेट इंटीग्रल का साइन यूज़ करें, 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पैलेट से आपको मिल जाएगा और यहाँ पर हमने राइट करना है एक्सपेंशन रेज टू बाई माइनस एक्स, ये एक्सपेंशन और पावर में माइनस एक्स और डिफरेंशियल एक्स के लिहाज से है। अब हम फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक हो गया। ऐसे ही ये अब डिफरेंट एग्जांपल्स परफॉर्म कर सकते हो खुद से भी, जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल के रिजल्ट्स होते हैं आप मैथमेटिका पे उनको सॉल्व कर सकते हो ईजीली। एग्जाम्पल नंबर 8 है डेफिनेट 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका भी आंसर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, पैलेट से हम इन्फिनिटी राइट करेंगे और एक्सप्रेशन में है ओनली ऑन एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये आपके पास से जो इंटीग्रेट है ये बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी में से कुछ भी आप फाइंड नहीं कर सकते और ये आपके पास इंटीग्रेट जो होगा एक्स डज नॉट कन्वर्ज,
ऑन 0, इन्फिनिटी, यानी 0 और इन्फिनिटी के हवाले से ये कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता। तो ये सी का आंसर है, ये डाइवर्ज कर रहा है। जब आंसर मतलब कोई भी डेफिनेट आंसर ना आए तो वो एक्चुअली आपके पास डाइवर्ज कर रहा होता है। अगर कोई डेफिनेट आंसर आ जाता तो भी कन्वर्ज होना था। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है इसमें हमने ये एक्सप्रेस करना है डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स के इंटू डी एक्स। इसके लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का ये सिंबल यूज़ करते हैं पैलेट से। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लोअर लिमिट और प्लस इन्फिनिटी अपर लिमिट। और एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये अगेन आपको राइट करना होगा। यहाँ पर हम पैलेट से दोबारा यूज़ कर लेते हैं लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी। और एक्सप्रेशन ये पैलेट से हमने फ्रैक्शन का फॉर्म राइट कर लिया, इसमें हम राइट करते हैं अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम राइट करते हैं 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हमने राइट कर दिया और साथ में डी एक्स। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये इसका आंसर आ गया 5। ठीक हो गया, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसी को अगर आप आई को आप पॉइंट्स में आंसर एक्सप्रेस करना हो तो वो भी बता सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो इससे पहले कैपिटल एन यूज़ कर लें, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो ये पाई का आंसर बता देगा। और अगर सिग्निफिकेंट की फॉर्म में बताना हो वो भी आप बता सकते हो इजीली। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल एन स्केयर ब्रैकेट और यहाँ पर कॉपी मटीरियल पेस्ट करते हैं और स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दो। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करें तो ये आपको आंसर दे रहा है 3.14159। और इसी को अगर आपने 20 सिग्निफिकेंट फॉर्म में राइट करना है, 40 सिग्निफिकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 60 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप सिग्निफिकेंट शो कर देता हूँ, आप ऑनवर्ड जितनी भी इसके सिग्निफिकेंट शो करने हो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉमा 40, ये आपको 40 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से आंसर बता देगा। ये पॉइंट के बाद 40 जो डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से जो आंसर है वो आपको करेक्ट बता रहा है, जो पाई का आंसर है। ऐसे ही हम एग्जांपल नंबर 11 परफॉर्म कर लेंगे। अब लॉग ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट आपने फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर हम पैलेट से यूज़ कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। 0 से 1 है जो इसका इंटरवल होगा, 0 एंड 1। और एक्सप्रेशन इसमें है लॉग ऑफ एक्स कैपिटल एल ओ जी, ये लॉग हमने राइट कर दिया, स्केयर ब्रैकेट एक्स स्केयर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल डी एक्स। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये इसका आंसर आ जाता है -1, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑनवर्ड है डेफिनेट इंटीग्रल -2 से 3 है 1/x इंटू डी एक्स। तो ये भी हम पैलेट से ही डेफिनेट इंटीग्रल का जो कमांड अब यूज़ कर लेते हैं, -2 से 3 है और एक्सप्रेशन इसका है 1/x इंटू डी एक्स। फाइनली आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये इसका आंसर, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा -2 से 3, ठीक है ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए ये देखिए ना लिखा भी हुआ इंटीग्रेट डाइवर्जेस इंटीग्रल ऑफ 1/x डज नॉट कन्वर्ज और -2 से 3, यानी कि जो इसकी लिमिट -2 से 3 है मतलब लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 3 है, तो ये 1/x को होल्ड नहीं कर पा रहा, ये डाइवर्जेंट फॉर्म में है, कन्वर्ज बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसीलिए इसका आंसर ऐसे है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ये 13 है, इसमें इंटीग्रेट है 1/x और इसमें x की जो लिमिट से -2 से 3 है प्रिंसिपल वैल्यू 2 मानना है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए लोग 3/2। ये जो इंटीग्रेट इन्होंने वर्डिंग फॉर्म में लिखा है हम इसको पैलेट्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। यहाँ से हम राइट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल -2 से 3 है अपर लिमिट 3 और एक्सप्रेशन इसका है 1/x। 1/x के लिए आप ऐसे राइट कर लें 1/x, उसके बाद यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं dx जो डिफरेंशियल है,
और प्रिंसिपल वैल्यू है, यहाँ पर आप राइट कर लें प्रिंसिपल वैल्यू ट्रू माननी है तो शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस कर लें, ऐसे आंसर नहीं आना। अगर हम यहाँ पर कॉमा राइट करके लिखें प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप कंप्लीट राइट कर लें प्रिंसिपल वैल्यू, ये कमांड है, और उसके बाद इसको ट्रू मानना है तो एरो का यूज़ होगा, ये एरो का यूज़ कर लिया, यहाँ पर यूज़ करना है एरो और इसको ट्रू करना है, ठीक है। अब आप शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें, इसके लिए इसका आंसर इस तरह नहीं आ रहा, आप ऐसे करें फिर इसको ना इंटीग्रेट की फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर लें, ऐसे आंसर सोल्व नहीं हो रहा। ये अभी आप कॉपी कर लें और इंटीग्रेट की फॉर्म जो है ना वो आप शो अप कर लो, मतलब कि ऐसे आप करें, यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रेट वर्डिंग लैंग्वेज स्केल ब्रैकेट 1/x कॉमा मिडिल ब्रैकेट में x की लिमिट्स राइट करनी है x कॉमा -2, 3 ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और फिर कॉमा, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दें जो आपने मटेरियल कॉपी किया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू 2 माना हुआ है उसके ब्रैकेट अगेन क्लोज कर दें, फाइनली शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये इसका आंसर आ गया log 3/2 एंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ये परफॉर्म कर लेना है, ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है इंटीग्रेट का आपने जो सिंबल है वो यूज़ करते हुए परफॉर्म कर लेना है। दूसरे तरीके से जो पैरेट से हमने ये डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ किया था उसे आंसर नहीं था आ रहा, इसलिए मैंने ऐसे आपको परफॉर्म करवा दिया, ठीक है। ये यहीं तक ही परफॉर्म करने हैं आप सिलेबस में इंक्लूडेड, और ऑनवर्ड अगर इसमें है तो मैं देख लेता हूँ, जस्ट यही आपने 9.9 एग्जांपल एक परफॉर्म करनी है, इसमें y = 2r² - x² का स्क्वायर रूट है और π (definitely - r)² - r² (dS) ये आपने कमांड यूज़ करनी है ऐसे, ये यहाँ तक, यानी ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये आप परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 4π r³/3। ये परफॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर हम राइट करते हैं y = √r²-x², तो यहाँ पे हम राइट करते हैं √r²-x², उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंटर का बटन प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है, फिर हम यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे पाए का और फिर डेफिनेट इंटीग्रल का सिंबल यूज़ करना है, लोअर लिमिट -r अपर लिमिट +r और यहाँ पे एक्सप्रेशन y² पैलेट से आपने स्केयर किया राइट कर लेना है और यहाँ पे dx ठीक हो गया डिफरेंशियल की फॉर्म में x के हाथ से, फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये इसका आंसर आ गया 4π r³/3। ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये जो r²-x² का स्क्वायर रूट ये इसी को इन्होंने y को मेंशन किया हुआ है, लेकिन जो इसका फाइनली आंसर है 4π r³/3 ही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहीं तक आपने परफॉर्म करने हैं और इंटीग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग, और इनसे डिफरेंट जो है ना सिंबल्स वगैरह आपने स्टोर कर लेनी है, सिंबल राइट कर लें और जो इनके एक्सप्रेशन हैं आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स परफॉर्म कर लें, कमांड्स ले लें, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल की जो रिप्रेजेंटेशन है ना इनको जस्ट आपने फ्यू चेंजिंग लेके आपने इसको ना शिफ्ट इंटर प्रेस करके आंसर वगैरह आ जाएंगे, वो आपने टैकल कर लेने हैं, ठीक है। होपफुली आज के स्टूडेंट आज के स्टूडेंट अच्छी बात में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अगर फिर भी कोई इस टाइम में कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।